जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में शाहपुर थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पूरे प्रदेश के थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए शाहपुर थाने के थाना समाधान दिवस में भाग लिया है। यहाँ पर नागरिकों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई है उसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिसको देखते हुए पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मौके का निरीक्षण करके जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है। कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है, अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर निरीक्षण करके समस्याओं का पुलिस व राजस्व टीम के साथ मिलकर निस्तारण करे, जिससे कि फरियादियों को त्वरित न्याय मिल सके और उनको मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। इस अवसर पर तहसीलदार सदर विकास सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी व फरियादी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, घर के बाहर पति भी नहीं रह रहा है साथ में, तो हम लोग जबरदस्ती करने के लिए हैं भाई, जबरदस्ती नहीं कर पाए, छोड़ दिए, यदि नहीं हेलमेट से बाहर निकल गए। अच्छा हम बता देते हैं चौकी चार्ज क्या है ना, इंस्पेक्टर कैंट बोल रहा हूँ, जैसे ठीक है अपना बना रहे हैं, उसका 120 फुट रोड रोड का था, लिखा था रोड का, इन्हीं का ही बनोई का है, तो मदद हाँ समझा देना कि भाई नहीं तो तुम जाके नापी कराओ, कि पर्ची को बोल नाम ही डाला जा रहा है, तो भाई तहरीर में भी बेचते क्या लिखे थे, 700 का नाम नहीं लिखे थे, तो मैं कहा था ना फोन किया था कि जाके सीओ साहब के यहाँ से वापस कराओ, सीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन दो, इस तरह से बेचना में हमारे जो हमने बताया था हमारा बयान, यहाँ गैस में क्या भरा जाएगा, जिसका जिसका जिला कार्य संस्था उस समुदाय का ग्रामीण का जहाँ जहाँ लगना लगा ठीक है। आप अपनी ताकत अपना अप्रोच सिटी मजिस्ट्रेट सर के यहाँ लगाएं कि मुझे मजिस्ट्रेट मिल जाए, या आप चले चले देख अपना जो अभी तक जान रहा हूँ ये पक्ष मजबूत है लिखा पढ़ी में, लेकिन अब ये पक्ष देख रहा है कि मेरा उतना लिखा पढ़ी मजबूत नहीं है, तो अब दूसरे एंगल से घूम रहा है, या तो एक तरीका ये है कि एक तो आप ये परशुराम मौर्य ओके हो गए, तब क्या है आप बताइए, तब नहीं तो अब जैसे इसका दो और इनका दो रिपोर्ट ये आ गया, फिर हमने जमीन ये चलिए वो हो गया जो चीज जो हम लोग जमीन इन्होंने जमीन नंबर के पीछे हमारा एक प्राप्त है, ये 282 यादव यही नंबर है, ये नंबर है दिया है अरे वो इनकी सगी बहनों ने और इन्होंने भी
लड़का पति उसका मतलब सब गलत ठीक कर रही थी, छः महीना तक की है, जब चलने लायक हो गया है फिर तारीख पर कोई नहीं जा रहा है समझ जाए कि वो के सूट जाएगा समझ जाए कि बात है उस पर देखिए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जन समस्याओं के निस्तारण हेतु संपूर्ण समाधान दिवस थाना दिवस का आयोजन पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में किया जाता है। आज उसी के उपलक्ष में हमारे डीएम साहब थाना शाहपुर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। यहां पर जो भी समस्याएं जनता के द्वारा दी गई हैं जिनमें विशेष रूप से जमीन संबंधी विवाद हैं उनकी जो प्रार्थना पत्र आए हैं उसको पूरा समझ करके उसमें ज्वाइंट टीम्स बना करके राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम को मौके का मुआयना करने के लिए मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन समस्याओं का निस्तारण तत्काल हो सकता है उसमें निस्तारण करने के बाद उसकी अनुपालन आख्या के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी के द्वारा जमीन कब्जा किया जा रहा है या अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। समस्याओं को लोअर लेवल पर ग्राउंड लेवल पर जिस तरह का समन्वय जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच में होता है उसी तरह का समन्वय ग्राउंड लेवल पर हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं ज्वाइंटली ये विजिट करें, जो भी समस्या इनके सामने आती है उसका त्वरित निस्तारण करें जिससे कि प्रार्थियों को न्याय जो है या उनकी जो समस्या का समाधान होना है वो ग्राउंड पर और लोअर लेवल पर ही मिल जाए जिस कारण से उनको उच्च अधिकारियों के पास या अन्य जगह पर ना भटकना पड़े। यही सब निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूरी आशा है कि जिस मंशा से ये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है उसको हमारे अधिकारियों के प्रयासों से उसको सफल बनाया जाएगा। देखिए जो भी समस्याएं पुलिस को प्रशासन को जमीन संबंधी आई हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करने नियमानुसार कार्रवाई करने और मेरिट के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर FIRs लिखी जाती हैं उनका साक्ष्य के आधार पर उनका मेडिकल के आधार पर और अन्य चीज़ों के आधार पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।